हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डेंसिटी ऑफ स्टेट एंड एनर्जी ऑफ क्वांटम वेल, जिसको आप वन डायमेंशनल नैनो मटेरियल भी कहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में देखो करना क्या है, बहुत ही छोटी सी बड़ी सिंपल सी वीडियो होगी, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। इस वीडियो में हमें करना ये है कि हमारे पास एक वन डायमेंशनल नैनो मटेरियल है जिसको हम क्वांटम वेल भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वांटम वेल भी कहते हैं। तो उसकी डेंसिटी ऑफ स्टेट कितनी होगी और उसकी एनर्जी कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलो छोटी सी डेरिवेशन आराम से समझेंगे। पहले यार ये समझते हैं कि क्वांटम वेल किसे कहते हैं, है ना। पहले यार ये समझते हैं कि क्वांटम वेल किसे कहते हैं। क्वांटम वेल, देखो क्वांटम वेल भाई, एक कोई भी मटेरियल, अगर कोई भी मटेरियल है जिसकी एक डायमेंशन नैनो रेंज में है, ठीक है, जिसकी वन डायमेंशन, कोई भी एक डायमेंशन किसमें है, नैनो स्केल में है, नैनो रेंज, नैनो रेंज में है, और बाकी दो डायमेंशन बल्क में, बल्क रेंज में है, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल में है, तो ऐसे मटेरियल को आप क्वांटम वेल कहते हो। और ऐसे मटेरियल को कभी कभी हम वन डायमेंशन नैनो मटेरियल भी कहते हैं, वन डायमेंशन नैनो मटेरियल भी कहते हैं। बोलो, बात सिंपल सी है, क्लियर है। ठीक, और जो बाकी की टू डायमेंशन हैं वो नॉर्मल होंगी, नॉर्मल बोले तो ये नॉर्मल वाला नहीं, बल्क वाला, बल्क रेंज में होंगी। ठीक है, अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये क्यूब है, इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। भाई मान लीजिए ये क्यूब है, और इसकी एक L है, B है और H है, ये बल्क में है, है ना, ये आपका बल्क में है, आप इसे देख पा रहे हो, एक क्यूब है। तो आपने क्या काम करा, इसका आपको क्वांटम वेल बनाना है। तो क्वांटम वेल का मतलब क्या है, कोई एक डायमेंशन नैनो रेंज में कर दो और बाकी दो को फिक्स रहने दो। तो आपने मान लीजिए किसी एक रेंज को आपने क्या काम करा, किसी एक डायमेंशन को आपने क्या काम करा भाई मेरे, किस में कर दिया, नैनो में कर दिया। तो जो आपको फिगर मिलेगी फिर कुछ इस तरीके से मिलेगी, ऐसे ऐसे करते हैं ना, यह आपका क्वांटम वेल होगा, यह आपका क्या होगा, क्वांटम वेल, यह आपका क्वांटम वेल होगा। ठीक, मतलब कि बहुत ही पतली सी शीट आपको मिलेगी, ये जो है ना, ये नैनो रेंज में है, ये आपकी नॉर्मल रेंज है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। तो अब सवाल ये आता है कि इसकी डेंसिटी ऑफ स्टेट कितनी होगी, फॉर अगर मैं कोई भी एनर्जी पीरियड लूँ तो उसमें इसकी डेंसिटी ऑफ स्टेट कितनी होगी और उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितनी होगी, वो हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर, तो पहले इतनी सी बातें जल्दी जल्दी नोट करेंगे, हटा दें, चलो भाई साहब आगे बात करते हैं। तो अब बात करेंगे डेंसिटी ऑफ स्टेट की, है ना, इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन है, ध्यान से समझेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें, मैं वो जो अभी मैंने फिगर बनाया है ना, मैं उसको ऐसे करके यहाँ दिखा रहा हूँ। तो ये आपकी क्वांटम वेल है, ये आपका क्या है, क्वांटम वेल। तो भाई यहाँ पर हम एक छोटी छोटी चीज़ें अज्यूम करेंगे कि जैसे पोटेंशियल एनर्जी अंदर इलेक्ट्रॉन की जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी बाहर इलेक्ट्रॉन्स की इन्फिनाइट है, पोटेंशियल एनर्जी बाहर क्या है, इन्फिनाइट है। क्या ये हम छोटी छोटी चीज़ें अज्यूम कर रहे हैं। उसके बाद ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। जो जेड एक्सिस है वो नैनो रेंज में है, ठीक है, अच्छा। सो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर निकालूँ, मतलब कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लगाऊँ यहाँ पर, वेव फंक्शन निकालने की कोशिश करूँ, तो एक मैं एक्स एक्सिस पे लगाऊंगा और एक मैं वाई एक्सिस पे लगाऊंगा। मतलब कि आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन आएगी, डी टू साई एक्स अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एम अपॉन में एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस का वी साई इक्वल टू जीरो। ये एक्स एक्सिस के लिए है, ये किसके लिए है, एक्स एक्सिस के लिए मैंने लगाई। अगेन पोटेंशियल एनर्जी मैं अंदर जीरो मान रहा हूँ, जो पोटेंशियल है वो जीरो है, तो ये चीज़ मेरी जीरो हो जाएगी। मतलब कि मैं फाइनल लिख रहा हूँ उसको ई साई एक्स इक्वल टू जीरो, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस, फॉर एक्स एक्सिस। उसी तरीके से अगर मैं फॉर वाई एक्सिस निकालूं, सो डी टू साई वाई अपॉन में डी वाई स्क्वायर प्लस टू एम अपॉन में एच क्रॉस स्क्वायर ई साई वाई इक्वल टू जीरो, यह आपकी सेकेंड इक्वेशन, यह आपकी सेकेंड इक्वेशन। सो यहाँ पर मैं लेट क्या कर रहा हूँ भाई, मैं लेट कर रहा हूँ कि टू एम अपॉन में एच क्रॉस स्क्वायर ई इक्वल टू के एक्स, इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर, और मैं यहाँ पर लेट कर रहा हूँ, अच्छा ये ई एक्स है यानी ई वाई, टू एम अपॉन में एच क्रॉस स्क्वायर ई वाई इक्वल टू के वाई स्क्वायर। सो आपकी पहली दूसरी इक्वेशन बनी डी टू साई एक्स अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में के एक्स स्क्वायर साई एक्स इक्वल टू जीरो, इक्वल
इक्वल टू जीरो, ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन और ये आपकी हो गई फोर्थ इक्वेशन। क्या यहाँ पर के एक्स एंड के वाई क्या है? के एक्स के वाई बेसिकली वेव वेक्टर्स होंगे जो ब्रिलियन जोन के ब्रिलियन जोन को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप इसको सॉल्व करोगे और सॉल्व करके जब इसकी के एक्स और के वाई की वैल्यू निकालोगे तो ये निकाली, अच्छा ये निकाली कहाँ पर है मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैं यहाँ पर नहीं निकाल रहा के एक्स और के वाई की वैल्यू, ये हमने आपने भी आपने समरफील्ड थ्योरी पढ़ी होगी मेटल्स की थ्री डायमेंशन में, और थ्री डायमेंशन में हमने ये पूरी डेरिवेशन कर रखी है। उसकी वीडियो में मतलब मैंने मेरे चैनल में है वो वीडियो, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं समरफील्ड थ्योरी ऑफ मतलब फॉर थ्री डायमेंशनल बॉक्स, तो आपको बाय आरके फिजिक्स पॉइंट, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है वो आपको वीडियो मिल जाएगी, तो उसमें मैंने पूरी डेरिवेशन करा रखी है और पूरी डेरिवेशन की करने की ज़रूरत भी नहीं है। देखो के एक्स के वाई की वैल्यू जो है ना वो ये आएगी, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। एन एक्स पाई एल अपॉन में के, सॉरी क्लियर, इसकी वैल्यू आएगी हमारी एन एक्स पाई बाई एल, एन एक्स पाई बाई एल, और के वाई की वैल्यू आएगी एन वाई पाई बाई एल। अब ये है क्या, ध्यान समझो, के एक्स के वाई की वैल्यूज ब्रिलियन जोन दिखाती हैं, तो एक इसके अंदर कितने ब्रिलियन जोन हो सकते हैं, एन फॉर नंबर, एन नंबर है कोई भी इंटीजर 1 2 3 4, तो के एक्स के वाई मिलके क्या बनाएंगे, एक ब्रिलियन जोन बनाएंगे, एक ब्रिलियन जोन बनाएंगे, एक एनर्जी बनाएंगे। क्लियर, सो के एक्स के वाई हमारे ये आ गया। अब सुनो ध्यान से यार, नाउ जो टोटल के होगा वो किसके इक्वल होगा, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर के, भाई वेक्टर है ना, तो के जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर के। तो अगर मैं यहां से एनर्जी की बात करूं, जो टोटल एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, भाई टोटल एनर्जी आपकी आएगी एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन में 2m के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। ध्यान सुनो ना, के एक्स की एच स्क्वायर अपॉन में 2m के एक्स स्क्वायर, दोनों एनर्जीज को ऐड कर दिया, तो एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन में 2m के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। अब ये इक्वेशन किसकी है, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट है, ये इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर मैं के स्पेस लूँ, के स्पेस मतलब क्या होता है कि एक्स एक्सिस में हम के एक्स लिखेंगे और वाई एक्सिस में मैं के वाई डालूंगा। तो अगर मैं के स्पेस लूँ, के एक्सिस और के वाई एक्सिस, और उसमें फिर इसका मतलब कि इसकी एनर्जी का वो बनाऊँ, तो मुझको एक सर्कुलर शेप मिलेगी ऐसे करके। क्यों, क्योंकि देखो एनर्जी की जो इक्वेशन आ रही है, इक्वेशन है सर्कल की, तो एक सर्कल में इक्वेशन आएगी ऐसे करके। और ये इसकी रेडियस किसको रिप्रेजेंट करेगी, इसकी रेडियस रिप्रेजेंट करेगी के, इसकी रेडियस किसको रिप्रेजेंट करेगी के। और ये क्या है, ये सर्कल क्या है, ये है एनर्जी लेवल, अलॉयड एनर्जी लेवल। क्या भाई ये हो गया ई अलॉयड एनर्जी लेवल, ये रेडियस होगी के वैक्टर के, और ये के एक्स एंड के वाई। क्या यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, भाई कोई डाउट तो ना है, क्लियर है, नोट करेंगे भाई इतना जल्दी से, चल हटा दें। अब ध्यान दो जरा यहाँ पर, सो अब हमें क्या काम करना है भाई, वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ स्टेट, अपने को डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालना है ना, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट किसके इक्वल होती है, डी ई इक्वल टू डी एन अपॉन में डी ई। यहां पर ये एन क्या है, नंबर ऑफ अलॉयड अलाउड एनर्जी लेवल्स, और ये डी ई क्या है, डी ई मतलब ये डी ई क्या है, डी ई है आपका एनर्जी इंटरवल, मतलब कि कितने एनर्जी के डिफरेंस में, मतलब जब हम ई से E1 से E2 में जाते हैं तो कितने नंबर ऑफ अलॉयड एनर्जी लेवल्स बढ़ते हैं, उसको हम बताते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट। भाई कितने एनर्जी के डिफरेंस में कितने नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स हैं, कितने नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स हैं, तो वो कौन बताता है डेंसिटी ऑफ स्टेट, वो कौन बताता है डेंसिटी ऑफ स्टेट। बोलो यहाँ तक समझ में आया, इसकी डेफिनेशन है, ये इसकी डेफिनेशन है, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स पर डिफरेंस ऑफ एनर्जी, पर डिफरेंस ऑफ एनर्जी। क्या तो अब हमें n निकालना है कि भाई कितने अलॉयड एनर्जी लेवल यहाँ पर हो सकते हैं, तो भाई वो कैसे निकालेंगे, देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले मुझे बताओ सिंगल एनर्जी लेवल कितना हो सकता है इसका, सिंगल एनर्जी लेवल सबसे छोटा एनर्जी लेवल इसका कौन सा हो सकता है, एक ब्रिलियन जोन, फर्स्ट ब्रिलियन जोन हो सकता है, क्या हो सकता है, फर्स्ट ब्रिलियन जोन,
एरिया ऑफ फर्स्ट ब्रिलियन जोन। तो फर्स्ट ब्रिलियन जोन कितना होगा, पाई बाय एल इंटू पाई बाय एल, यहां पर क्या है इसकी लेंथ एल एल एल, तो पाई बाय एल इंटू पाई बाय एल कितना आया, पाई स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। बोले हाथ समझ में आया कि नहीं आया भाई, सबसे छोटी एनर्जी लेवल कौन सा होगा, फर्स्ट ब्रिलियन जोन। तो फर्स्ट ब्रिलियन जोन की बाउंड्रीज क्या होती है, पाई बाय एल, पाई बाय एल के एक्स के वाई, तो पाई बाय एल इंटू पाई बाय एल, तो पाई स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, ये सबसे छोटा एनर्जी लेवल होगा। सबसे बड़ा एनर्जी लेवल क्या हो सकता है, मतलब अलॉयड एनर्जी लेवल कितना हो सकता है, पाई के स्क्वायर, बस इतने हो सकते हैं भाई। इससे ज्यादा एनर्जी थोड़ी ना हो सकती सिस्टम की भाई, ये मैक्सिमम एनर्जी है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे फर्मी एनर्जी निकालते थे फर्मी सरफेस में, याद हो तो फर्मी वॉल्यूम में फर्मी सरफेस के एफ मैक्सिमम होता था, तो ऐसे ही है, ये मैक्सिमम एनर्जी है, इससे ज्यादा एनर्जी नहीं हो सकती। मतलब कि ये जो सर्कल मैंने बनाया है ये मैक्सिमम एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी ये है, इससे कम होंगी, इससे कम होंगी लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो सकती है, पाई के स्क्वायर। मैक्सिमम कितनी एनर्जी हो सकती है, पाई के स्क्वायर। मिनिमम कितनी हो सकती है, पाई स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है भाई, ये यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। अच्छा ये सुनो, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल निकालेंगे कैसे, ध्यान समझना। मैंने क्या काम करा है, जैसे हम पहले आपने क्वेश्चन करते थे मैथ में कि भाई एक एरिया है उसमें नंबर ऑफ टाइल्स रखनी है, एक टाइल का एरिया देते थे तो कितनी टाइल लगानी पड़ेंगी इसकी पूरे एरिया कवर हो जाए, ऐसे करके क्वेश्चन आते थे, याद हो तो नाइन्थ क्लास की मैथ में क्वेश्चन ऐसे नहीं आते थे कि यार ये एरिया है और एक टाइल का एरिया इतना है तो कितनी टाइल चाहिए कि पूरा एरिया कवर हो जाए। तो हम क्या काम करते थे, पूरे एरिया में डिवाइड करते थे एक छोटी टाइल का एरिया, तो हमें नंबर ऑफ टाइल्स आ जाती थी। सेम फंडा हम यहाँ कर रहे हैं, मैक्सिमम एनर्जी लेवल कितने आ सकते हैं, पाई के स्क्वायर। मिनिमम कितनी हो सकती है, पाई स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर। तो दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड। तो एन की वैल्यू मुझे मिलेगी, कैपिटल एन की वैल्यू मुझे मिली पाई स्क्वायर, सॉरी पाई के स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर इंटू वन बाई टू। अब ये टू क्यों करा, हर एक एनर्जी लेवल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो हम एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो एक एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब वन अपॉन टू मैंने मल्टीप्लाई करा, टू इसलिए यहाँ पर फैक्टर आया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा पाई के स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर इंटू वन बाई टू। सो ये पाई से एक पाई कैंसिल। सो एन की वैल्यू मुझे क्या मिली, एन की वैल्यू मुझे मिली पाई, नहीं सॉरी के स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन में टू पाई, के स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन में टू पाई। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, इसको हटा रहा हूँ। अब के की वैल्यू डालो, k की वैल्यू यहां से निकाल लो ना भाई, 2m अपॉन में h क्रॉस स्क्वायर e इक्वल टू k स्क्वायर। तो k की वैल्यू यहां से कितनी निकल कर आएगी, 2m e अपॉन में h क्रॉस स्क्वायर, टोटल k टोटल e। तो यहां पर जब आप डालोगे तो n की वैल्यू क्या निकल कर आएगी बताओ, यह जाएगा 2m e अपॉन में h क्रॉस स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर अपॉन में 2 पाई। सो 2 से 2 कैंसिल भाई, k स्क्वायर के प्लेस में मैंने डाल दिया 2m e अपॉन में एच स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन में टू पाई। तो एन की वैल्यू मुझे मिली एम ई एल स्क्वायर अपॉन में एच क्रॉस स्क्वायर पाई। बोले यहाँ तक क्लियर, एन की वैल्यू अब हमें निकल गई, तो अब डेंसिटी ऑफ स्टेट निकल जाएगी सीधी सीधी। डेंसिटी ऑफ स्टेट होती है डी एन अपॉन में डी, मतलब कि डिफ्रेंशिएशन करना है इसका, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा बताओ जरा, ये डेंसिटी ऑफ स्टेट है फॉर क्वांटम वेल या फिर वन डायमेंशनल नैनो मटेरियल। तो अगर आप नोट करो पहले इतना, फिर आगे बताऊंगा जल्दी से, चले हटा दें। देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई की पावर जीरो, क्योंकि इन एनर्जी तो है ही नहीं। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसका ग्राफ आएगा ऐसे करके, अगर यहाँ पर ये डेंसिटी ऑफ स्टेट है और ये एनर्जी है तो इसका ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। याद रखेंगे ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं,
ये ग्राफ किसके लिए है, ये ग्राफ है हमारा क्वांटम वेल के लिए, क्वांटम वेल के लिए या फिर वन डायमेंशनल नैनो मटेरियल। क्लियर, क्लियर है, कोई डाउट तो ना है, सिंपल सी बात, सिंपल सी डेरिवेशन है, क्लियर है, कोई डाउट नोट करके इसे। अब हम बात करते हैं एनर्जी, क्वांटम वेल की एनर्जी। देखो एनर्जी के कैसे, मतलब हमने करा कि ये हमने सोल्यूशन ले लिया श्रोडिंगर इक्वेशन का, जो अभी हमने पहले श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी थी ना, तो ये उसका सोल्यूशन है। अब अगर साई, मतलब कि अगर वेव फंक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब होने की प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के होने की, अगर वो जीरो है तब एनर्जी निकल कर आती है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन में टू एम एल स्क्वायर। सो जो टोटल एनर्जी होगी क्वांटम वेल की वो किसके इक्वल होगी, ये है, ये वाला जो टर्म है ये किसके लिए है, नैनो रेंज के लिए, क्योंकि नैनो रेंज में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी नहीं है, फंक्शन जीरो होगा, तो ये वो एनर्जी है प्लस ये आपकी नॉर्मल जो अभी हमने निकाली थी बल्क के लिए, ये आपकी किसके लिए, बल्क के लिए, ठीक। और एक ग्राफ यहाँ पर आता है नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट और एनर्जी, तो जैसे जैसे आप एनर्जी बढ़ाओगे क्वांटम वेल की, वैसे वैसे जो नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स हैं वो इंक्रीज होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बड़ी एनर्जी में ज़्यादा जा सकते हैं, सिंपल सी बात है। आप एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे हायर एनर्जी लेवल्स पर, तो एनर्जी लेवल्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। क्लियर, तो सिंपल सा ये ग्राफ था। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, क्वांटम मतलब डेंसिटी ऑफ स्टेट और एनर्जी का जो फॉर्मूले की डेरिवेशन है वो आपको समझ में आया हो क्वांटम वेल के लिए। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।